ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने गेहूं के आटे की बहुत कुरकुरी टेस्टी चटपटी हमने पापड़ी बना के रेडी कर दिया। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी टेस्टी हमारी ये पापड़ी बनी है दोस्तों। तो आप लोग इनको बहुत आसानी से घर पे बना सकते हैं, बना के किसी डिब्बे में पैक करके धर सकते हैं, 1 महीने के लिए बहुत आराम से आप धर के खा सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत कम सामग्री में बहुत कम समय में बन के रेडी हो जाते हैं दोस्तों। तो आप लोग देखिए, तो आप लोगों को हम तोड़ के दिखा दें। ये देखिए कितनी कुरकुरी हमारी पापड़ी बनी है। तो आप लोग इसी तरह बहुत आसानी से बना के खा सकते हैं, मेहमानों को खिला सकते हैं। तो चलिए आप लोगों को हम दिखाते हैं किस तरह हम ये पापड़ी बना के रेडी करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, हमेशा अच्छे रहें दोस्तों। तो जय माँ अम्बे विलेज कुकिंग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ, तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कौन सी रेसिपी हम आज बनाएंगे। रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे हमने सबसे पहले लिया है आलू, तो कच्चा आलू लिए है, तो इसको हमने कट कर लिए है। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत चटपटी कुरकुरी सी पापड़ी। तो पापड़ी हम जिस तरह बनाएंगे आप लोग देखते जाइए। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी लहसुन कलिया लिया है, जिसको डाल देंगे मिक्सी जार में। एक आड़ी हमने प्याज लिया है, जिसको हम तरह कट करके डाल देंगे। यहाँ पे हमने 3 हरी मिर्ची लिया है, तो इनको कट के डाल देंगे। यहाँ पे हमने 2 बड़े साइज के आलू लिया है, तो उसको हमने छिलका निकाल के इस तरह कट करके साफ पानी से धो लिया है, तो इनको हम इसी में डाल देंगे। अब इसका एक हम पेस्ट बनाएंगे, तो इस तरह मिक्सी जार में डाल के पेस्ट। यहाँ पे हमने आलू का पेस्ट बना लिया है, देखिए। तो इसको हम इस थाली में पलटेंगे। आज हम गेहूं के आटे की आलू की बहुत चटपटी पापड़ी बना के रेडी करेंगे। तो यहाँ पे हमने मसाला लिया है, तो आलू का हमने पेस्ट बना लिया है। अब इसमें हम डालेंगे मसाला। यहाँ पे हमने 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, इसको डाल देंगे। 1 चम्मच लाल मिर्ची लिया है हल्का दरदरी की, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच से कम थोड़ा सा गरम मसाला है, चाट मसाला 1 चम्मच, थोड़ी सी हमारी कलौंजी है, 1/2 चम्मच जीरा है, 1 चम्मच सफेद तिल है। यहाँ पे हमने अजवाइन लिया है, तो इसको हम हाथ से क्रश करके डालेंगे इस तरह। यहाँ पे हमने रिफाइंड तेल लिया है, तो आप चाहे तो घी डाल सकते हैं। इसको हम डाल के यहाँ पे हमने 3 चम्मच रिफाइंड तेल डाला है। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। सारी चीजें हम इसे मिला देंगे, उसके बाद हम आटे का दूध तैयार करेंगे। यहाँ पे हमने 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया, तो अभी हम 1 कटोरी लिया है, जितना इसमें लगेगा उतना हम लगाएंगे। इस तरह हम डालते जाएंगे, इसका हम दूध तैयार करेंगे। यहाँ पे आटा हमारा थोड़ा सा भी ढीला लग रहा है, तो इसमें हम आटा और डालेंगे। यहाँ पे इतना आटा हमने और लिया, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। यहाँ पे हमने हरी धनिया की पत्ती लिया, उनको हम डाल देंगे। यहाँ पे हमारा ये डो बन के रेडी हो गया, तो हमने बना लिया। तो अब इसमें हम थोड़ा सा हाथ में तेल लगा किस तरह लगा के रख देंगे, उसके बाद हम बनाएंगे। तो इसमें जितना आटा लगे उतना आटा आप डाल सकते हैं। इस तरह अब हम पापड़ी बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने थाली लिया है, इस पे हम इस तरह हम लोई काटेंगे, उसके बाद हम इसी पे पापड़ी बेलेंगे।
यहाँ पे हमने टिकिया को इस तरह रोटी के आकार में हमने बेल लिया है। ये देखिए, तो अब हम यहाँ पे कांटे वाला चम्मच लिए हैं, तो इसमें हम छोटे छोटे छेद बना देंगे ताकि हमारी पापड़ी फूलने ना पाए। यहाँ पे हमने छोटे साइज का गिलास लिया, तो इसी पे हम ये पापड़ी का शेप देंगे। यहाँ पे हमने पापड़ी काट लिया है, तो जो बाकी का आटा है तो इसको हम इस तरह निकाल लेंगे। ये देखिए, हमने इस तरह की पापड़ी कट कर लिया है, तो इसी तरह हम सारी पापड़ी रेडी कर लेंगे, उसके बाद हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे हमने सारी पापड़ी बना लिया है। देखिए, तेल हमने कढ़ाई में चढ़ा दिया, तेल हमारा गर्म हो गया, तो अब इनको हम इसे पकाएंगे। यहाँ पे हमने सरसों के तेल में पका रहे हैं। यहाँ पे हम दोनों तरफ से इस तरह पलट पलट के इनको हम पका लेंगे। देखिए, यहाँ पे पापड़ी हमारी पक गई है, तो इनको हम निकाल लेंगे। तो ध्यान रखें दोस्तों, इनको थोड़ा सा कुरकुरी पकाना पड़ेगा। ये देखिए, आप इनकी आवाज तो आप लोग सुन सकते हैं। ये देखिए, तो अब इसी तरह हम सारी पापड़ी बना के रेडी करेंगे, उसके बाद हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे हमने सारी पापड़ी पका ली है, तो आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी पापड़ी हमारी बन के रेडी हुई है। तो आप लोग देखिए, तो यहाँ पे हमने आप लोगों को ये बता दें कि यहाँ हमने पापड़ी में कस्तूरी मेथी नहीं डाला दोस्तों, तो आप चाहे तो डाल सकते हैं, इससे और ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाएगा। तो आप लोग देखिए कितनी टेस्टी हमारी पापड़ी बन के रेडी हुई है, खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे दोस्तों। तो आप लोग बहुत आसानी से घर पर बना के किसी डिब्बे में पैक करके आप धर सकते हैं, जब मन करे चाय के साथ सुबह नाश्ते के दौर पर आप खा सकते हैं, मेहमानों को खिला सकते हैं। तो देखिए, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।